हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन का समय का उपयोग करते हुए आज हम लोग कंप्यूटर मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर को कैसे साफ सुथरा रखना है और जितना भी कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है उसको कैसे सर्विस करना है, ये सारा चीज आज आपको बताया जाएगा। मेरे वीडियो पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। जो भी आपको समझ नहीं आता वो कमेंट में लिखिए, आपको सारा चीज बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे, तो उसके लिए कुछ सामान का जरूरत पड़ेगा। हमको कुछ जरूरत पड़ेगा, कुछ कपड़ा का, एक स्क्रू ड्राइवर का, एक ब्रश का, एक आपका बलून फुलाने वाला ये जो पंप रहता है वो, या फिर आप हैंड जो हवा भरने वाला पंप रहता है साइकिल में वो भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा केरोसिन तेल का यूज करना है और एक कॉलिन का जरूरत पड़ेगा, एक इरेजर का जरूरत पड़ेगा। इतना सामान का हमारा जरूरत पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान देना है, पहले हम लोग सिस्टम यूनिट का वॉशिंग करेंगे और सर्विस करेंगे। इसके पीछे जितना भी कंटेंट लगा हुआ, जितना भी आपका केबल लगा हुआ, सारा केबल को खोल देना है। लाइन का जितना भी प्लग है उसको भी खोल देना है और यहाँ जितना भी केबल लगा हुआ उसको सभी को खोल देना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आपको सारा चीज जो नहीं समझ में आया जरूर कमेंट में बताइए। होता क्या है, हम लोग कंप्यूटर तो चलाते हैं और उसका यूज भी करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदरी भीतरी पार्ट में जो फैन है या जो रैम है वो सब में गंदगी जम जाने की वजह से उसका फैन का स्पीड जो है वो घट जाता है। और ऐसा भी होता है कि हम लोग को मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। मैकेनिक के पास जब ले जाते हैं तो 500-1000 अलग अलग रेट के हिसाब अलग अलग रेट लग जाता है और आपका खर्च लग जाता है, जो कि आप घर पर ही बैठे अभी लॉकडाउन में घर पर बैठ के आप उस चीज को वॉश कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। ये सारा चीज आज आपको बताया जाएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा सिस्टम खराब हो गया, हम कहाँ पर लेके जाए, क्या करें, मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, हम स्विच दबा रहे हैं तो लाइन नहीं जा रहा है। या बहुत सारे स्टूडेंट का एक और छोटा सा कंप्लेन आता है कि सर यहाँ पर अगर हम टच कर रहे हैं या कहीं टच कर रहे हैं तो हमको हल्का सा झटका लग रहा, करंट लग रहा। तो वो करंट किस लिए लगता है ये जानना, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीज देख रहे होंगे, ऐसा प्लग आप लोग लगाते होंगे, इसमें देखिएगा, इसको अर्थ बोलते हैं ऊपर वाला। ये अर्थ क्या होता है कि आपका बोर्ड में आपका घर में अर्थिंग नहीं किया हुआ, जिस वजह से आपको हल्का झटका लगता है, हल्का करंट लगता है। बस इसीलिए आपका कंप्यूटर खराब नहीं है, जस्ट आपका घर में अर्थिंग नहीं है, जिस वजह से आप कहीं भी अगर यहाँ टीना है या अलग अलग जगह कहीं लोहा लगा हुआ है, कहीं टीना है तो उस जगह आप तो हल्का टच कीजिएगा तो हल्का करंट लगेगा। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा करंट लगेगा, तो डरना नहीं है कि करंट लग रहा है, अब क्या करें हम, क्या नहीं करें। तो वो आपका कंप्यूटर खराब नहीं है, जस्ट सिर्फ अर्थिंग नहीं है। आप अपने घर में अर्थिंग जरूर करा ले, कंप्यूटर को अर्थिंग का बहुत जरूरत पड़ता है, तभी ये दिया गया। हर जगह आपका मॉनिटर से लेके सिस्टम यूनिट से लेके यूपीएस से लेके हर जगह 3 पिन सॉकेट ही रहता है, कंप्यूटर को अर्थिंग का जरूरत पड़ता है। तो अर्थिंग आप लोग घर में जरूर कराएं। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर लेना है और स्क्रू ड्राइवर से इसको, यहाँ जो एक स्क्रू है उसको खोलना है इस तरह करके, और यहाँ पर जो एक स्क्रू है इसको खोलना है। इस तरह खोलने के बाद ये पूरा को इधर ढकेलना है, ऐसे करके ढकेलने के बाद ये वाला पूरा जो इसका कवर है ये कवर खुल जाएगा। कवर खोलने के बाद कुछ सिस्टम यूनिट का इंटरनल ऐसा कुछ दिखेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सब को ज़्यादा खींचने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तार खुल भी सकता है और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपको जैसे जैसे बताया जाएगा उस तरह करना है। सबसे पहले एक ब्रश लेना है और ब्रश से इस फैन को इस तरह करके साफ़ करना है, इस तरह ऐसे ऐसे करके साफ़ करना है, इस तरह करके साफ़ करने के बाद क्या करना है, हल्का हल्का सॉफ्ट ब्रश से, ऐसा नहीं कि ऐसे जोर जोर से करना, हल्का हल्का इस तरह करना है। या फिर आप चाहे तो पहले, अगर वैसे बहुत ज़्यादा गंदा है, अगर इस फैन में बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इस पंप से ऐसे हवा दे सकते हैं और सब जगह को साफ कर सकते हैं, इस तरह प्रेशर से हवा दे सकते हैं इस तरह, और जितना भी गंदा होगा ये निकलते जाएगा इस तरह। इस तरह करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हल्का सा केरोसिन तेल लेना है। केरोसिन तेल आप चाहे तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। केरोसिन तेल के बाद इसको इस तरह करके ऐसे लगाना है सभी ब्लेड में,
ये किरोसिन तेल ही है, आप चाहें तो वाइट पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लगाने के बाद एक सूखा कपड़ा लेना है, सूखा कपड़ा, और इसको इस तरह करके पोंछ देना है, साफ कर देना है इस तरह करके। साफ करने के बाद हल्का सा आपको कॉलिन लेके कॉलिन को लीजिएगा और इस तरह यहाँ मार दीजिएगा। देखना है ये है कि मदरबोर्ड में ये कॉलिन नहीं जाना चाहिए, इसको इस तरह करके साफ करना है ऐसे। अगर यहाँ पर भी फैन लगा हुआ है, इस जगह में चीफ फैन लगा हुआ है, तो आप उसको जैसे ये साफ किया वैसे इसको भी साफ करना है, और हल्का हल्का इस तरह करके साफ करना है, हल्का ब्रश से, या चाहे तो आप नहीं भी साफ कर सकते हैं। अगर किन्हीं को डर लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप चाहे तो ये पंप से भी आप ऐसे ऐसे करके हवा दे सकते हैं, सिर्फ हवा देने से भी ये गंदगी निकल जाएगा, जितना भी आपका इसमें गंदगी जमा हुआ है सभी निकल जाएगा ऐसे ऐसे। चाहे तो आप जो साइकिल वाला पंप रहता है उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरी क्या करना है, दूसरा चीज़ ये इसको खोलना है। यहाँ देखिएगा एक दिया हुआ है, क्लिप जैसा दिया हुआ है, क्लिप को पकड़ना है और खींचना है इसको ऐसे। इसको खींचने के बाद एक बार इसको साफ करके, इसका पार्ट को ऐसे साफ करके, और फिर से इसको लगा देना है इस तरह। यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे खोले हैं उसी स्टेप में अगर उल्टा लगाइएगा तो ये नहीं लगेगा। ये चीज़ को हमेशा ध्यान देना है, उल्टा अगर लगाते हैं तो नहीं लगेगा, इसको सीधा ही लगाना है इस तरह ऐसे लगा देना है, ये मेन पावर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि कुछ दिन कंप्यूटर चलता है, कुछ दिन बाद प्रॉब्लम हो जाता है, बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता है। तो ऑन नहीं होने का 90% चांस रहता है, आपका रैम पर मॉइस्चर लग गया। मॉइस्चर को साफ करने के लिए सबसे पहले ये दोनों क्लिप को दबाना है, प्रेस करना है इस तरह। प्रेस करने के बाद ये रैम ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या करना है, आपको इरेजर लेना है, इरेजर से इसको ऐसे करके साफ करना है। ध्यान रहे कि ये आप इसको ऐसे पकड़ना है, इसको इरेजर से ऐसे करके साफ करना है इस तरह, इरेजर चलाना है। ध्यान रहे ये सब में नहीं लगना चाहिए, हल्का 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 करना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करना है, साफ करना है इस तरह। इस रैम को क्या करना है, इस तरह करके साफ करना है। रैम को साफ करने के बाद सूखा कपड़ा लेना है और इसको इस तरह करके साफ करना है ऐसे। साफ करने के बाद जहां पर ये देखिएगा, एक यहाँ कटिंग है और एक इसमें भी कटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा हो, देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ कटिंग है एक यहाँ कटिंग है, दोनों कटिंग में ध्यान देना है कि इसको इस तरह करके लगाना है ऐसे। और कटिंग अगर आपका नहीं मिल रहा तो इसको घुमा देना है, कटिंग आपका मिलना चाहिए। कटिंग मिलने के बाद आपको एक इधर प्रेस करना है, एक इधर प्रेस करना है। प्रेस किए, आपका रैम लॉक हो गया, जैसे ही लॉक हो गया आपका ये चीज़ फिनिश हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको पूरा ऐसे से साफ कर देना है चारों तरफ से। कॉलिन का यूज़ करते हुए साफ करना है इस तरह, कॉलिन को ले लेना है। उसके बाद इसका बैक पैनल में जाना है। बैक पैनल में देखिएगा, ये फैन में बहुत स्टूडेंट्स का गंदगी रहता है, बहुत पीसी में गंदगी रहता है, उसको साफ करने के लिए आपको इस तरह करके यूज़ करना होगा पंप को। और उसके बाद फिर क्या करना है, जितना हो सके इस ब्रश को इसके अंदर डालना है, ऐसा भी ना हो कि ये ख़राब हो जाए, आपको इस तरह करके साफ करना है धीरे धीरे।
जितना हो सके, अगर पतला ब्रश है तो पतला ब्रश से भी आप यूज़ कर सकते हैं, पतला ब्रश रहने से इसके अंदर भी चला जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है, इस ये जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है सब पर हल्का हल्का ब्रश चला देना है। पहले सबसे पहले तो इस पर हवा डाल देना है कि अगर इसमें कुछ गंदगी हो तो निकल जाए, उसके बाद इस ब्रश से साफ कर देना है। वैसे ही रियर पैनल को भी करना है, फ्रंट पैनल। इसमें क्या करना है, हल्का सा कॉलिन लगा देना है इस तरह, और इसको कपड़ा से पोंछ देना है इस तरह करके। ध्यान देना है कि इसमें कॉलिन वगैरह ना जाए। इस तरह करके साफ कर देना है। चलिए अब इसको जैसा ये टाइट करना था, इसका जो ये पैनल खुला हुआ है उसको टाइट कर देते हैं, जैसे था उसे उसको लगा देते हैं। लगाने के लिए फिर से इसको इधर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पर टाइट कर देना है दो स्क्रू से, कुछ इस तरह। टाइट करने के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। टाइट करने के बाद ये हमारा सिस्टम यूनिट कंप्लीट हो गया, इसका सफाई कंप्लीट हो गया। ऊपर हल्का सा कॉलिन लेके इसको भी साफ कर दीजिए। आप चाहें तो कॉलिन अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो। अब आते हैं कीबोर्ड को कैसे साफ करना है। कीबोर्ड को साफ करने के लिए सबसे पहले वही पंप को लेना है और ऐसे जोर से प्रेस करके इसका हवा देना है, इसके अंदर जितना भी गंदगी होगा बाहर निकल जाएगा। इस तरह करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है, इसको ऐसे घुमा के हल्का हल्का इसको ठोकना है। अगर गंदगी निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फिर ऐसे सीधा कीजिएगा और ब्रश से इसको सीधा उल्टा ऐसे करके चलाना है। चलाने के बाद उसके बाद फिर क्या करना है, सूखा कपड़ा लेना है और इसको इस तरह करके, ध्यान रहे जोर से प्रेस नहीं करना है, हल्का हल्का प्रेस करना है इस तरह करके। उसके बाद क्या करना है, हल्का सा केरोसिन तेल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, हल्का सा लेना है और इसको ऐसे फैला देना है। फैलाने के बाद एक चीज़ ध्यान देना है कि ये केरोसिन इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे और फिर सूखा कपड़ा को लेंगे और इस तरह करके साफ कर देंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे माउस के बारे में, माउस को कैसे साफ करेंगे। माउस को साफ करना बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके लिए हल्का सा कॉलिन देंगे यहाँ पर, ध्यान रहे इसके भीतर नहीं जाना चाहिए, और कॉलिन देने के बाद इसको ऐसे साफ कर देना है इस तरह करके। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, इसके पीछे जो लेंस है उस पर भी ध्यान देना है हम लोग को कि उस वो अच्छा से साफ हो जाए। कॉलिन यूज़ करेंगे उसके लिए हल्का, और इसके अंदर इसको अच्छा से इस तरह करके साफ करेंगे इस तरह करके। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि मॉनिटर को कैसे साफ करना है, जो स्क्रीन है या बड़ा स्क्रीन है या छोटा स्क्रीन है। आपको सबसे पहले सूखा कपड़ा लेना है और इसको इस तरह करके साफ कर देना है। पहले सूखा कपड़ा से ही साफ करना है इस तरह करके। इस तरह साफ करने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा पहले या तो कॉलिन लेना है, अगर आपके घर में वो नहीं है तो हल्का पानी लेना है, पानी में इसको भिगा देना है। हल्का, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, हल्का सा इसको पानी में भिगा देना है। भिगाने के बाद इसको हल्का हल्का इस तरह करके गोल राउंड शेप में घुमाना है इस तरह। इस तरह करना है। ऐसे ही पीछे भी करना है। लाइन खोल दीजिएगा इसका प्लग, जितना भी इसका प्लग है
सभी को कुछ खोल देना है। देखिए नीट एंड क्लीन हो गया। ऐसे ही आपको फुल कंप्यूटर को मेंटेन करना है। आपका जो कंप्यूटर है उसमें ज्यादा देर का इसका काम का जरूरत है नहीं, ये आपको आधा आधा घंटा में ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। अभी भी जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसे तो जितना स्टेप बताया गया उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर इन केस कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, सोल्यूशन हम बताएंगे। आज आप लोग को सीखने के को मिला कि लॉकडाउन में लॉकडाउन जो चल रहा है उसका समय को यूटिलाइज करते हुए आज हम लोग कंप्यूटर मेंटेनेंस कंप्यूटर सर्विस के बारे में जाने। और जो भी आपको समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सतर्क रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। धन्यवाद।